प्रभाग क्रमांक 11 मधील नाल्याची साफसफाई 2 दिवसात करा अथवा लोकसहभागातून नाल्याची सफाई करावी लागेल अशा आशयाने निवेदन युवक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष जुबेर सहारा यांनी मुख्याधिकारी नगर परिषद यांना 13 जून रोजी सादर केले. नगर परिषद अंतर्गत असलेल्या प्रभाग क्रमांक 11 मधील नाल्या आणि चेंबरच्या साफसफाई करिता या अगोदरही वारंवार निवेदने देऊन सुद्धा कुठलीच अंमलबजावणी झालेली नाही. सध्या पावसाळ्याचे दिवस सुरू झाले असले तरी पावसाळ्यापूर्वी सदर नाला आणि चेंबरची साफसफाई करणे हे नगरपालिकेचे आद्य कर्तव्य असले तरी याकडे नगर परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून कानाडोळा होत आहे. साचलेल्या घाणीमुळे परिसरात दुर्गंधी वाढली आहे, त्यामुळे डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. मानवी आरोग्याला धोका निर्माण झाला असून मानवी आरोग्याच्या हिताच्या दृष्टीने नगर परिषद प्रशासनाला वारंवार निवेदने दिली आहे. तरी 2 दिवसात सदर नाला आणि चेंबरची साफसफाई नगरपालिकेने करावी, अन्यथा 15 जून रोजी लोकसहभागातून सदर नाला साफसफाई करण्यात येईल असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. युवक काँग्रेस शेगाव अध्यक्ष जुबेर सहारा, डॉक्टर असलम खान, फिरोज खान, मोहसिन खान, शेख रफीक, कासम इराणी, शेख सफीक, साजिद शहा, अनिस खान, अब्दुल रहीम, रजाक इराणी आदींनी दिले. 7 तारीख को हमने एक नगर पालिका के अंदर निवेदन दिए थे जो कि पैड मोड़ने का उड़ान लाला है उसके बारे में और अर्शी के पूरे चेंबरों के बारे में. उड़ान लाले के अंदर इतनी घान हो गई जिसकी वजह से इतनी बीमारियाँ फैल रही है और विशेष ये कि वो है मुस्लिम एरिया के अंदर और छोटे बच्चों को इतनी बीमारियां फैल रही है बेहतिया. अभी तक कि उन्होंने सफाई भी की नहीं और चेंबर कंडीशन ऐसी है कि वो एक नाल बारिश आई थी तो पूरे चेंबर उबल के निकलते हैं. आज मशीन लाई थी उन्होंने, मशीन के अंदर काम नहीं होने वाला, पूरा खुद ही करके उसको काम करना है, पूरी तरीके से उसको रिपेयर करना है. इसके कारण आज हमने और एक बार निवेदन दिए, 2 दिन के अंदर इंटीमेशन दिए, 2 दिन के अंदर उन्होंने कभी नई सफाई किए नई उसको खुदाई करके चेंबर को साफ किए तो हम खुद उतर के नाले को साफ करेंगे और उस साफ करके नगर परिषद में लाएंगे और इसका नगर परिषद ही जिम्मेदार रहेंगे, उसका मुख्य अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे. मोहम्मद फारूक, विदर्भ न्यूज, खामगाव.